मुझे फिल्म बहुत ही पावरफुल लगी. ये बात तो बहुत बाद में हुई निष्ठा से कि हम ऑन बोर्ड आकर उस फिल्म को फैसिलिटेट कर सकते हैं. पर मैंने ये फिल्म लास्ट ईयर दुबई में देखी थी, दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, जहाँ पर शिप ऑफ थीसिस दिखाई जा रही थी. तब निष्ठा की फिल्म भी दिखाई जा रही थी वहाँ पे. और मैंने जब ये फिल्म देखी तब आई वाज रियली मूव्ड बाय द फिल्म. मैंने गुलाबी गैंग के बारे में सुना जरूर था, मुझे पता नहीं था कि इतना अमेजिंग काम हो रहा है वहाँ पे. और संबत पाल के नेतृत्व में इतनी इतनी अमेजिंग चीजें हो रही है. और साथ में इसकी जो बारीकियां है, फिल्म की हर एक बात मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग थी. मैंने बहुत ही इग्नोरेंट फील किया अपने आप के बारे में ये जब मुझे पता चला कि आज भी हिंदुस्तान के कोने कोने में आए दिन हत्या हो रही है. हम जिस प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, कई बार भूल जाते हैं कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जहाँ पे नी में ही प्रॉब्लम है, जहाँ पे जड़ों में ही प्रॉब्लम है. और उनको हमने जब तक फिक्स नहीं करेंगे तब बाकी सब सिम्टोमेटिक है, बाकी सारे प्रॉब्लम्स, जैसे सोम अभी कह रहे थे. तो ये फिल्म देख के मुझे वो पता चला. दूसरा, मेरे लिए मैं इतना एंगेज हो गया इस फिल्म में क्योंकि ये फिल्म एक मर्डर मिस्ट्री की तरह, एक थ्रिलर की तरह अनफोल्ड होती है, एक हुडनिट की तरह अनफोल्ड होती है. तो और संपत पाल अपने आप में एक डिटेक्टिव है जैसे कि इस फिल्म में. तो जब संपत पाल इस हत्या को देखती है और जिस तरह से वो केस अपने हाथ में ले लेती है, उसको सॉल्व करना उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है, और जिस तरह से वो केस को सॉल्व करने लगती है, जिस तरह से पुलिस कह रही है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हर कोई घर वाले कह रहे कि हम कुछ नहीं करना चाहते, वो बहुत ही पावरफुल था, बहुत ही मूविंग था, बहुत ही पॉइंटेंट था, बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए. और थ्रू आउट ये फिल्म ने मुझे शॉक किया और इंस्पायर भी किया कि और मैंने तुरंत ही उसके बाद आकर एक ब्लॉग पोस्ट लिखा, जिस ब्लॉग पोस्ट में मैंने लिखा कि इस साल की बेस्ट फिल्मों में से एक फिल्म निष्ठा की फिल्म है. तब ऐसी कोई आइडिया नहीं थी कि सोम इस फिल्म को प्रेजेंट करने वाला है. तब आइडिया यही थी कि हो सके उतने लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए. तो मेरे जितने भी दोस्त थे उनको मैंने फोन करके बोला कि ये बहुत ही अमेजिंग फिल्म है. मैंने सोम को इस बारे में फिल्म के बारे में बताया, किरण को फिल्म के बारे में बताया, मेघा को फिल्म के बारे में बताया. मेरे जितने भी दोस्त थे उनको सबको बोला कि किसी दिन आपको ये फिल्म देखने का मौका मिलेगा और तभी आप मौका छोड़िएगा मत. तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी है कि हमें ही वो मौका मिल रहा है लोगों तक फिल्म ले जाने का अभी.